हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपनी इस टेक डील खास यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके हैवेल्स ई प्लस से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं उनको कंप्लीट करेंगे, उनका सॉल्यूशन आपको देंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, यदि आप चाहते हैं कि आप इलेक्ट्रीशियन हैं और आप चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से चलाना सीखना और अपने हैवेल्स ई प्लस में रजिस्ट्रेशन कराना, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। मैं इसमें पूरा सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। हालांकि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ इसके रिगार्डिंग बनी हुई हैं कि आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से आपको पॉइंट इकट्ठे करने हैं, किस तरह से आपको रिडम्पशन लेना है, किस तरह से आपको बैंक अकाउंट अटैच करना है। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, उन क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि आपको कौन से वाले कूपन चाहिए, ठीक है, कौन से वाले। जैसे मेरे पास हैवेल्स ई प्लस के ये वाले कूपन है, ठीक है। इसमें हैवेल्स ई प्लस में दो तरह के कूपन आते हैं, इलेक्ट्रीशियन कूपन, ई प्लस वाले कूपन। तो दोनों अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं, है ना। एक तो नॉर्मली होता है और ई प्लस वाला होता है। तो नॉर्मली और ई प्लस दोनों एक ही एप्लीकेशन में चलते हैं। बहुत लोगों को डाउट होता है कि इसके लिए अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं भाई, अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, यही वाला एप्लीकेशन आपका चलेगा, ना ही अलग से कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। एक ही रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर से दूसरा भी इसमें ही चल जाएगा, ठीक है। वो कैसे ऑप्शन आता है, वो चीज़ मैंने आपको, शायद आपको याद होगा, वो वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें पूरा बताया था किस तरह से हम ये वाले कूपन रिडीम करेंगे और किस तरह से वो दूसरे वाले जो कूपन होते हैं नॉर्मली वाले, वो वाले कूपन रिडीम करते हैं। दोनों चीज़ मैंने बता रखी है। वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वो वीडियो देखिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। बहुत लोगों ने उस पर चर्चा की है और बहुत लोगों उस पर सीखने के बाद बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन खुद किया है और सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उस वीडियो देखने के बाद सब सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद दूसरी जो क्वेरी आ रही है लोगों की कि रजिस्टर्ड हम खुद से नहीं कर सकते। नहीं भाई, आप खुद से नहीं कर सकते। हैवेल्स बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसमें इसने ये किया है कि आप खुद से नहीं कर सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी के एम्प्लॉयज से आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। यदि आपके पास कोई डीलर, बड़ा डीलर है, तो वहाँ पर कंपनी के एम्प्लॉयज आते रहते हैं। तो आप वहाँ पर कह के रखिए, जब भी आपके कंपनी के एम्प्लॉयज आए आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिए और आप जाकर वहाँ पर रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्टर करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, मेन चीज़ यहाँ पर आ जाती है, आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए और आपको एक आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। दो चीज़ का ध्यान रखना है, एक बैंक अकाउंट की आपकी फ़ोटोकॉपी ले जाना और एक पैन कार्ड भी ले जाना, कभी इन केस ज़रूरत पड़ जाए। पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती नहीं है लेकिन ले जाना, और एक अपना वो ले जाना, क्या कहते हैं, आधार कार्ड, ठीक है। ये तीन चीज़ें आप ले जाना और फोटो की आवश्यकता आपकी बिल्कुल नहीं है कि फ़ोटो की आवश्यकता हो, लेकिन आपके पास एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन होना चाहिए जिसमें कि आप एक एंड्रॉयड फ़ोन चलाते होंगे तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे, हाथों हाथ आपके मोबाइल से ही रजिस्टर कर दिया जाएगा। लेकिन आप क्यों नहीं कर सकते, ये चीज़ जानना चाह रहे हैं बहुत से लोग, तो ये चीज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर परमिशन नहीं मिल रही है। नॉर्मली ऐसा ही करने लगे तो जो अदर हमारे जो इलेक्ट्रिशियन नहीं है वो भी रजिस्टर कर लेते हैं। दूसरी कंपनी आप देखेंगे RRKVL या फिर और भी बहुत सारी कंपनियाँ, उसमें परमिशन दे दी है, मोबाइल नंबर दे दिया है नीचे, ठीक है। जैसे कि इसमें भी दे रखा है 1800-266-0077, ऐसे नंबर दे रखा होता है, ठीक है। आप क्वेरी कर सकते हैं, रजिस्टर्ड नहीं करा सकते हैं यहाँ से, ये चीज़ ध्यान रखना। आपके मन में कोई संदेह है तो वो डाउट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन डाउट कैसे क्लियर करेंगे, कैसे डाउट हो सकते हैं, जो भी डाउट होंगे ना वो हम क्लियर कर रहे हैं आपके। आपको कहीं पर कॉल करने की, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपका मोबाइल नंबर यदि रजिस्टर्ड हो जाता है, यदि आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं हैवेल्स ई प्लस कंपनी में, तो आपको कहीं भी कुछ जाने की जरूरत नहीं है। सारी वीडियोस मैंने बना दी हैं इसके रिगार्डिंग। तो आपको करना क्या होगा, आपका रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है, आपको जैसे ये मेरे पास कुछ कूपन है ना, उन कूपन को आपको क्या करना है, स्क्रैच कर लेना है। स्क्रैच करके उनका जो नंबर होता है, कोड होता है, उस कोड को 1x1 एंटर कर देना रहना है और अपने पॉइंट इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे ही आपके पॉइंट इकट्ठे हो जाते हैं, अब बात आती है कितने पॉइंट इकट्ठे हो जाए। आपके पास जितने पॉइंट है, 100+ पॉइंट हो गए, तो आपको ये करना है, आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका होगा, बस वेरिफिकेशन के लिए आपका एक दिन का टाइम ले लेता है। क्या लेता है, एक दिन का टाइम ले लेता है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए एक दिन का टाइम ले रहा है, तो आपका हैंड टू हैंड जो रजिस्टर्ड हुआ है वो हैंड टू हैंड आपका वेरिफिकेशन नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो कंपनी करती है, ठीक है। कंपनी के एम्प्लॉइज और होते हैं, वो करते हैं आपका वेरिफिकेशन। आपका बैंक अकाउंट और आपकी जो अकाउंट आईडी है, उस पर दोनों पर आपका नाम जो है सेम होना चाहिए, ठीक है। क्या समझा, जैसे कि आपने, जैसे कि मेरा नाम है अमित,
ठीक है, यदि मैं अमित के अलावा और कोई यूज करके अपनी एप्लीकेशन में नाम बना लूँ, अपने एप्लीकेशन के अंदर नाम रख लूँ, तो आपका जो एप्लीकेशन के अंदर नाम है और आपका जो बैंक अकाउंट का नाम है, ठीक है, दोनों मैच नहीं करेंगे। जब मैच नहीं करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट कभी भी वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। जब वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आपकी पेमेंट नहीं आएगी, वहाँ आप परेशान हो जाओगे। तो आपको करना क्या है, अपना जब भी अपना ये बनवाएं, ठीक है, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में नेम सेम होना चाहिए और अपने एप्लीकेशन के अंदर जो नाम लिखा होगा आपने वो भी सेम होना चाहिए। कुछ लोगों की यही कंप्लेंट आती है कि हमारा बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा, तो वो इसी वजह से नहीं हो पाता है क्योंकि नाम मिसमैच होता है, पूरी तरह से सही से मैच नहीं होता है। तो ये चीज़ करनी है आपको। दूसरी बात करें कि एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करें, नॉर्मली यार एप्लीकेशन आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं मिल रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का भी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी रह गई तो प्लीज़ यार नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, दिल खोल के कमेंट कीजिए, आपकी जवाब ज़रूर मिलेगा। और ई प्लस से रिलेटेड मैं नहीं मानता कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मैंने नहीं बताई होगी तुम्हें, था ना, सारी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से बैंक अकाउंट अटैच करना है, किस तरह से पेमेंट रिडीम करना है, और साथ ही आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो रिचार्ज भी कर सकते हैं। हालांकि रिचार्ज के लिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, यदि आप चाहते हैं रिचार्ज के लिए कोई वीडियो बनाई जाए तो ज़रूर बनाऊँगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, मैं रिचार्ज के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और अच्छे से आप यार काम कीजिए और अपने कूपन को, सबसे बड़ी भी आबत ये मिल रही है आपको, कहीं का जाना नहीं पड़ रहा आपके पास, किसी डीलर के पास, किसी शॉप के पास जाना नहीं पड़ रहा, आप आराम से डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन और अपने कूपन रिडीम करेंगे, अपने साथ ही सीधे बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। आपको सबसे बड़ी फैसिलिटी तो ये मिल रही है, बैंक अकाउंट में जा रहे हैं, आपको कहीं से किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ये कूपन ख़राब हो गया, वो कूपन ख़राब हो गया, कूपन खो गया, हाँ तो आप ले लीजिए, मोबाइल में स्क्रैच कीजिए और बस हो जाएगा आपका काम। तो इससे बढ़िया क्या बात है। तो कंपनी ने ये सिस्टम सही किया, कुछ लोग जो नहीं जानते या कुछ कम पढ़े लिखे हैं या जो मोबाइल यूज़ नहीं करते उनके लिए थोड़ी परेशानी वाली बात है ये, अदरवाइज सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी है ये। और मैं इस चीज़ को 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि अभी 2 साल से ज़्यादा क्रेज़ चला है कि मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर होना चाहिए। पहले आप नॉर्मली मोबाइल से SMS के थ्रू भी कर सकते थे, अब लेकिन एप्लीकेशन के थ्रू कर दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। देखो हर चीज़ सीखनी पड़ती है, आप कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि ऊपर से सीख आए हो, है ना, तो आपको यहीं पर सीखनी पड़ती है। और जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए यार, हम उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं ना आपको, तो जाके अपनी जो भी क्वेरी है उसको कमेंट कीजिए। अब बाकी सारी क्वेरी देखनी है और कैसे रजिस्टर करना है, कैसे नहीं करना है, ये सारी वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग अलग वीडियोस का लिंक है, और जो भी क्वेरी है वो भी मैं पहले कंप्लीट कर चुका हूँ आपकी, उनको भी देख लीजिएगा आप। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बहुत जल्दी से, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।